जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ना पता हो। क्विकली 2-3 मिनट्स में इसको मैं करता हूँ, एक दफा डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बेसिकली 5 थिंग्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें द फर्स्ट वन इज क्लास, और आपकी क्लास की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें द फर्स्ट वन इज क्लास नेम, द सेकंड वन इज एट्रीब्यूट्स एंड द थर्ड इज मेथड्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मिलके आपकी एक क्लास बना रही होती हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? आपके क्लास का एक इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाए भी होंगे सी प्लस प्लस या जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ी है। देन उसके बाद आ जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आपका बेस एंड ड्राइव्ड क्लास का कंसेप्ट होता है। एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट से जो है वो ड्राइव हुई होती है, और इसी से रिलेटेड आपने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े होंगे। कोई बता सकता है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं? बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, और कोई एक्सेस स्पेसिफायर कोई एक बता दे, मतलब चले कि ये एक्सेस स्पेसिफायर है कोई। एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े ही नहीं आपने? पढ़े हैं सर, बताएं सर। पब्लिक जो है हाँ जी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इसके अलावा एक इंटरनल भी होता है, उसका आइडिया है किसी को कि इंटरनल स्पेसिफायर क्या है? अच्छा चले, मैं खुद ही एक वीकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि पब्लिक जिसका स्कोप पूरी एप्लीकेशन में है आपका, प्राइवेट सेम क्लास के अंदर जो होता है आपका जिसका स्कोप, एंड प्रोटेक्टेड ड्राइव्ड क्लासेस में भी आपका चल रहा होता है। इसके बाद एक होता है इंटरनल, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं कमेंट्स के अंदर, यहाँ इंटरनल का भी लिखा हुआ है। इंटरनल का स्कोप जो है ना वो विद इन असेंबली होता है। इंटरनल पब्लिक से कम होता है एंड प्रोटेक्टेड से ज़्यादा होता है। पब्लिक मल्टीपल असेंबलीज में भी चल जाता है बट इंटरनल नहीं चलता। असेंबली का स्कोप क्लास से ज़्यादा होता है, एक असेंबली में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो अगर आपने इंटरनल यूज़ किया हुआ है तो उसका स्कोप सेम असेंबली के अंदर है, बट एक असेंबली का जो कोड है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता आपकी सेकेंड असेंबली के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मींस डाटा हाइडिंग। कि इनकैप्सुलेट जैसे कैप्सूल है मेडिसिन्स का, उसमें क्या है कि जब कैप्सूल खाते हैं उसका जो मतलब बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मतलब मिल जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। हम लोग पकड़ते हैं उसको, खा लेते हैं। ये कैप्सुलेट से ही बनाया गया है इसको। अब होता क्या है कि आपकी जो क्लास है उन उसके जो इनर कोड है उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है यूजिंग ये एक्सेस स्पेसिफायर्स, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जैसे भी आपने जो लेवल रखना हो। अब जो आउटर वर्ड है मीन दूसरी क्लासेस हैं लाइक प्रोटेक्टेड है आपकी, तो दूसरी क्लासेस तो उसको यूज़ कर सकती हैं, बट वो यूज़ कर सकती हैं वो देख नहीं सकती अंदर हो क्या रहा है। लाइक मेरे पास एक एल्गोरिदम है, बेसिक की बात करते हैं, वो 2 वैल्यूज लेके उसको सम अप करके उसका वो रिटर्न करता है, तो वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। सेकेंड क्लास वाला जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू
हमारे सम के फंक्शन को कॉल करेगा, दो पैरामीटर पास करेगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। उसको नहीं पता कि मैं तो ये बेसिक बताया है कि 1+1 2 होता है, कोई बहुत कम्प्लेक्स एल्गोरिथम है उसको नहीं पता कि अंदर कैलकुलेशन किस तरह हुई क्या हुई, उसने दो वैल्यूज दी या वट एवर जितनी इनपुट की उसने दी उसको एक आउटपुट मिल गई। तो इनर स्ट्रक्चर जो है वो हिडन है, बट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स वो मेथड को कॉल करके हमारी फीचर जो है उनको यूज कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जी, आपका सेम थिंग विद डिफरेंट बिहेवियर। लाइक रियल लाइफ से देखें तो ट्री है, एक जनरल टर्म है, ट्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आके करें तो शेप है आपकी, अब लाइन भी एक शेप है, ट्रायंगल भी एक शेप है, रेक्टेंगुलर भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है, ये हैं सब की सब शेप बट बिहेवियर डिफरेंट है, सेम थिंग बट विद डिफरेंट बिहेवियर। तो ये थोड़ी बेसिक जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जिसके ऊपर एक पूरा आपका ऊप का सब्जेक्ट भी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने 3 आर्किटेक्चर्स डिस्कस करने हैं। ये बहुत इजी हैं, एक दफा अगर सुन लेना तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप भूलें उसको। 3 आर्किटेक्चर हैं, द फर्स्ट वन इज फाइल सर्वर, द सेकंड वन इज 2-tier आर्किटेक्चर एंड द थर्ड वन इज 3-tier आर्किटेक्चर। तो फाइल सर्वर से डिस्कस करते हैं। फाइल सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्या है कि एक आपका सर्वर है एंड उससे आपके क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ सर्वर एक शेयर्ड लोकेशन, शेयर्ड मेमोरी आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी की लैब्स के अंदर पहले तो था, जब मैं पढ़ता था मुझे नहीं आइडिया, अभी होगा तो सही, पता नहीं स्टूडेंट्स को उसकी एक्सेस दी हुई है कि नहीं दी, मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का, बट है सही। क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कहा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि USB लेके हर एक सिस्टम के ऊपर जाएं, बेस्ट अप्रोच यही है कि नेटवर्क से उस चीज़ को उठा लिया जाए। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, मैं पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास वीडियो स्टूडियो है, मैंने आप सब में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि 1 by 1 आप आओ एंड USB लाओ एंड कॉपी करो, तो मुझे नहीं लगता कि एक क्लास के अंदर सारे बच्चों को मैं कॉपी करके दे सकता हूँ। पोर्ट्स की लिमिटेशन है, फिर डाटा मूविंग की है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। सेकंड अप्रोच ये है कि मैं अपने सिस्टम को जो यूनिवर्सिटी की लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके ऊपर रखूं और अपने सिस्टम को एज अ सर्वर उसको को बिहेव करे। मैं वहाँ एक ड्राइव शेयर कर दूं अपने सिस्टम की एंड मैं आप सबको भी कहूं कि उसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाओ, ये मेरे सिस्टम का IP है एंड आप लैन में कनेक्ट हो। देन आप क्या करो, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, आप उसको लॉगिन करो और इस ड्राइव में जाके सब के सब कॉपी कर लो। तो आई थिंक वो 1 by 1 USB ले के आने से बेटर है कि आप क्या करो, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर सर्वर बना के उसको शेयर कर लो। तो फाइल सर्वर आर्किटेक्चर शेयर लोकेशन ही दे रहा होता है जहां आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म की फाइल जो है वो रख सकते हो। ठीक है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको मैनेज किया होता है। लाइक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें लेट्स सपोज के 50 एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय को जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर है उनका साइज है 100 GB। लाइक उसको वीडियो स्टूडियो, ड्रीम व्यूअर, SQL सर्वर एंड फोटोशॉप, इस तरह के और 2-4 सॉफ्टवेयर हैं जिनका टोटल साइज जो है लेट्स के 100 GB बनता है। अब वो क्या करेंगे, 100 GB मेरे लैपटॉप पे, 100 GB दूसरे के लैपटॉप पे, 100 GB तीसरे के लैपटॉप पे, तो इस तरह 50 कंप्यूटर्स में 100 GB जो है वो आपका 5000 जो GB है वो कंज्यूम हो रहा है। उसकी अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि
सारे कंप्यूटर वहाँ एक लैन बना दी जाए, लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया जाए, और वहाँ एक कंप्यूटर ऐसा रख दिया जाए जिसको कहा जाए कि ये एक सर्वर है और इसमें हमने ये ड्राइव जो है 200 GB की या 500 GB की ये शेयर कर दी है, और सारे के सारे कॉमन सॉफ्टवेयर जो सबको यूज में है वो हमने यहाँ रख दिए हैं। अब जिसको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो यहाँ से ले इंस्टॉल कर ले। तो आई थिंक ये अप्रोच बेटर है एज कम्पेयर टू के हर पर्सन ने 100 GB जो है वो कंज्यूम की है। जो आपका फाइल सर्वर है ना आर्किटेक्चर, इसके अंदर कोई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म नहीं होता। कंप्यूटेशनल टास्क मींस कि मैं उसको ये कहूँ ना कि मुझे 1+1 करके 2 रिटर्न कर दो, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें कहीं नहीं कहा कि कोई रिक्वेस्ट जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है। हमने कहा कि वहाँ शेयर्ड लोकेशन है, आप वहाँ चीज़ें रख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप उसको कर सकते हैं, बट कोई कंप्यूटेशनल टास्क जो है वो आपका वहाँ पे परफॉर्म नहीं होता। हाँ जी, फाइल सर्वर आर्किटेक्चर रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, देन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है वो है आपका जी 2-tier आर्किटेक्चर। 2-tier आर्किटेक्चर एक बहुत ही सिंपल सा एंड बेसिक आर्किटेक्चर है जिसकी इन्हेंसमेंट के ऊपर हमने एक्चुअली जाना है, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2-tier आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। 2-tier आर्किटेक्चर में आपकी 2 लेयर्स हैं, एक क्लाइंट लेयर एंड एक डेटा लेयर। इसमें आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके डेटा लेयर के साथ। हर क्लाइंट 100 क्लाइंट्स हैं तो 100 के 100 डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपके सर्वर के साथ, मीन्स डेटा लेयर के साथ। जब भी आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली होती है तो वो फास्ट होती है, बट उसका एक ड्रॉबैक भी होता है। जब सब के सब डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं किसी एक ही जगह पे, मीन्स लाइक के फी आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं तो विंडो एक है, अगर 100 स्टूडेंट एट द सेम टाइम पैरेलल उसमें फीस जमा करवाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि वहाँ पे भगदड़ मचे एंड लड़ाई बन जाए। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि जैसे ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स एक्सीड करते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट से तो इसके स्लो या डाउन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये था 2-tier आर्किटेक्चर। इसमें कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं, आपने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की एंड उसका आपको जो है वो रिस्पांस आया। जो नेक्स्ट है जो है 3rd वाला, जो एक्चुअली जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है वो है 3-tier आर्किटेक्चर। ये इन्हेंसमेंट है आपके 2-tier आर्किटेक्चर की। 2-tier आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक क्लाइंट लेयर होती है एंड एक होती है आपकी डेटा लेयर। 3-tier आर्किटेक्चर के अंदर क्लाइंट लेयर एंड डेटा लेयर के अंदर एक 3rd लेयर इन्वॉल्व हो जाती है जिसको कहा जाता है कि बिजनेस लेयर। इसको बिजनेस लॉजिक कहते हैं जो इसके ऊपर चीज होती है, बट बिजनेस लेयर है। अब कहा क्लाइंट लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटा लेयर। मैं बताता जाता हूं कि क्लाइंट लेयर के ऊपर क्या होता है, बिजनेस लेयर के ऊपर क्या होता है एंड डेटा लेयर के ऊपर क्या होता है। जितनी भी आपकी GUI है वो सारी की सारी आपकी कहाँ होती है, आपके क्लाइंट लेयर के ऊपर होती है। मतलब अगर आप वेबसाइट को रन करते हो तो जो आपका बटन है, जो आपका टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो सारे के सारे आपके क्लाइंट लेयर के ऊपर हैं। जितनी भी GUI है ना वो सारी की सारी आपकी क्या है, वो आपकी क्लाइंट लेयर के ऊपर आ रही होती है। अच्छा, द सेकंड वन इज बिजनेस लेयर।
अच्छा बच्चों एक मिनट, हाँ जी, सेकंड वन है आपकी बिजनेस लेयर। जितना भी आपका कोड है वो सारे का सारा आपका बिजनेस लेयर के ऊपर है। लाइक आप इफ एल्स लगाते हैं या आप फॉरीच लूप लगाते हैं, तो वो आपकी जो है वो आपकी बिजनेस लॉजिक के ऊपर है। मैंने कोई इफ लगाई, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वट एवर, जो चीज़ भी, जो भी कोड मैंने किया, वैलिडेशन की है सर्वर साइड पे, ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक का पार्ट है। मीन जो आपकी क्लाइंट लेयर है वो जीयूआई है। ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज़ भी नज़र आ रही है, वो टेक्स्ट है, वो लेबल है, वो बटन है, वो टेक्स्ट बॉक्स है, वो सारे का सारा क्लाइंट लेयर का पार्ट है। बिजनेस लेयर में आपका कोड है, जो सी शार्प हम लोग करेंगे तो सी शार्प का जितना भी कोड है वो सारे का सारा आपका बिजनेस लेयर में आता है, और इसको आपकी बिजनेस लॉजिक भी कहा जाता है। अगर आपको कोई कहे कि आपके प्रोजेक्ट की बिजनेस लॉजिक कौन सी है, तो एक्चुअली जो आपका कोड है सर्वर साइड का वो आपकी बिजनेस लॉजिक है। द थर्ड जो लेयर आती है इसके अंदर वो आती है डाटा लेयर। आपकी जो एक्चुअल डाटा बेस है वो आपकी डाटा लेयर के ऊपर लाई कर रही होती है। अब अगर राइट साइड वाली अगर आप पिक्चर देखें तो इसमें क्या है कि क्लाइंट एंड डेटा के सेंटर में एक इंटरमीडिएट आ गया, और वो है आपकी बिजनेस लॉजिक। अब यहाँ क्या है कि आपकी जितनी भी क्यूरीज रन हो रही होती हैं, लाइक इंसर्ट की क्यूरी है, अपडेट की क्यूरी है, डिलीट की क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी है, वो सारी की सारी आपकी रन होती हैं आपके डेटा लेयर के ऊपर। क्लाइंट क्लाइंट लेयर को, या उसको प्रेजेंटेशन लेयर भी कहा जाता है, उस लेयर को यूज करता है। वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जो रिक्वेस्ट रिसीव होती है आपकी बिजनेस लेयर को। बिजनेस लेयर पे कोड है, कोड रन होता है, कोड में अगर कोई क्यूरी है तो वो आपकी क्यूरी जाके रन होती है आपके डाटा लेयर के ऊपर। वो लाइक कोई सिलेक्ट की क्यूरी है तो वो डाटा फेच करके वो डाटा रिटर्न करती है आपकी बिजनेस लेयर को। एंड बिजनेस लेयर क्या करती है, वो डाटा आपके प्रेजेंटेशन लेयर या क्लाइंट लेयर के ऊपर उसको शो कर देता है। तो इस तरह आपका इसमें ट्रैफिक मैनेज इस तरह है कि लाइक देखें, अगर वो फी वाली एग्जांपल ही लें तो मैंने कहा पैरेलल सब हैं, तो अगर वही लाइन बना दी जाए अगर आपकी फी की, तो टाइम पॉसिबल है ज़्यादा लग जाए, बट ये है कि हर बच्चा इजीली जो है वो फी सबमिट करवा सकता है। मतलब एक प्रॉपर पैटर्न है, क्यू वगैरह जो होती है ना, क्यूइंग वगैरह, ये बिजनेस लेयर मैनेज कर रही होती है और वो उसको करती है। तो ये आपके थ्री आर्किटेक्चर थे, जिनमें द फर्स्ट वन इज फाइल सर्वर, द सेकंड वन इज टू टीयर आर्किटेक्चर, एंड द थर्ड वन इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर। यहाँ तक तो जितना भी हमने किया ये जनरल चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, कि मतलब इन चीज़ों को आइडिया होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल, और आज की जो पूरी क्लास, मतलब अभी जितना भी टाइम हम लोग लगाएंगे ना, वो जस्ट इसी स्लाइड के ऊपर लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ वर्ड ऐसे यूज हो रहे हैं कि जो आप लोगों ने पहले नहीं सुने हुए, तो मैं इस तरह नहीं करूँगा कि लाइक पढ़ दिया, चेक इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, और आपको जो ठीक है और आपने रट्टा लगा लिया कि इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी चेक हो जाती है, तो इस तरह नहीं है। जिस चीज़ को भी डिस्कस करना है उसको समझना है कि है क्या चीज़, और आज से जितना भी डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल हुआ करेगा। आज की क्लास में तो नहीं होगा, जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन आपका जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो है पेज लाइफ साइकिल। पॉसिबल है इसके ऊपर? एक्सक्यूज जी मी सर,
सर जो टू टीयर आर्किटेक्चर है उसमें सर जो क्लाइंट लेयर है वो भी जीयूआई को डील करती है या सिर्फ वो हाँ वहां जी, क्लाइंट्स को डील करती नहीं नहीं वो भी जीयूआई को करती है। उसमें जीयूआई क्लाइंट लेयर के ऊपर ही होती है, जो डेटा लेयर है ना सारा कुछ उसके ऊपर ही होता है आपका, बाकी है? जितने भी टास्क है ना कंप्यूटेशनल वो एक ही लेयर के ऊपर हैं, बट क्लाइंट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है आपकी। थ्री ठीक है, थैंक यू टीयर में हमने उसको इंटरमीडिएट में रख दिया। सही, थैंक अच्छा यू। ओके, अच्छा अभी हमने करना है पेज लाइफ साइकिल, और पॉसिबल है कि मिनिमम 2 लेक्चर इस के ऊपर लगे। ये जस्ट कोई 3 पेजेस की या 4 पेजेस की स्लाइड होंगी इसके पेज लाइफ साइकिल पे, बट इसको अच्छी तरह समझना है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, रेगुलर वालों को मैंने बताना भूल गया हूँ कि मैं ना पोर्शन स्किप नहीं करता होता मिड का। जो स्किप करता हूँ ना वो जितना आपने कल पढ़ा था ना एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो मैं स्किप करता हूँ। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ आज तक मैंने मिड का पोर्शन स्किप नहीं किया फाइनल में। उसकी रीजन बताता हूँ क्या है। बिफोर मिड हम लोग चीजों को सीखेंगे कि बटन किस तरह लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स किस तरह लगाना है, पेज लाइफ साइकिल ये होता है, ठीक है, वैलिडेशन कंट्रोल ये होता है। जैसे ही मिड गुजरेगा हम लोग डेटाबेस के साथ काम स्टार्ट करेंगे और हम एक्चुअली लगाना स्टार्ट कर देंगे बटन। अब मैंने मिड का पोर्शन कर दिया स्किप और मैं आपको कहूँ कि भाई बटन लगाओ, आप कहें ना सर ये तो मिड से पहले था, हम तो नहीं अब लगा सकते बटन। तो मतलब ये चीज नहीं होगी, माइंडसेट इस तरह सेट करना है कि जो आज चीज पढ़ाई ना मैंने वो तभी जान छोड़ेगी आपकी जिस दिन ईएडी आपको छोड़ेगा। और ये पेज लाइफ साइकिल आज से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है और आखिरी दिन तक आपने इसके साथ लगे ही रहना है। आप चाहो भी तो आप नहीं छोड़ सकते इसको। आपने पेज रन करना है तो पेज लाइफ साइकिल खुद ही चल पड़ना है, तो मतलब स्किपिंग बनती नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि भाई वो आगे आगे आप भागते जाएं और पीछे पीछे आपको भूलता जाए। तो ये कंप्लीट पैकेज है जो आपने पूरे सेमेस्टर में जिसको अपने साथ रखना है। तो माइंड सेट इस तरह का, वो चीज माइंड में नहीं रखनी कि एट द एंड सर को ये कहेंगे तो स्किप हो जाएगा, स्किप नहीं होगा, फिर आपको मसले मसाइल बने। मैं बोल ही नहीं रहा था, मेरा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हैरानगी वाली बात ये है कि मैं रेगुलर वालों को पढ़ाता हूँ तो एक दफा भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। पता नहीं आप लोग कोई दम दरूद करते हैं कि नेट ना ठीक चले। वालेकुम, लेजेंड वही बता रहा हूँ, मतलब एक दफा भी मुझे कोई इशू फेस नहीं हो रहा होता कि आवाज काट गई है या इस तरह का। आपकी क्लास के साथ कल भी लगा रहा है इशू। सर, ये जब आपकी सी ड्राइव कभी कभार फुल हो जाती है, आप क्लास ले रहे होते हैं ना, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप ऑन करते हैं तब ये इशू आता है, सी आपके सिस्टम की वजह से भी इशू तो आता नहीं है यार मेरी फुल, है सर। ये हैकर है, नहीं है यार, किधर इसे फुल हैकर है। नहीं है सर, क्लास लेते हुए होता है इस तरह। इसका पीटी से ज्यादा लोग यूज करते हैं ना, 8 बजे तो सब सो रहे होते हैं, इससे आपका सर्वर डाउन होता है। हाँ जी चलें इस लॉजिक को मान लेते हैं। एक्चुअली हो सकता है क्योंकि ऑफिस टाइम भी होता है ना, 10 बजे ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं तो लोड पड़ जाता है। यस सर, अच्छा जी तो हम लोग थे, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो मैं वो आप लोगों को बता रहा था उसको नहीं आप लोगों ने छोड़ना, कि जो कोर्स हम लोगों ने डिस्कस करना है जितना भी, ये जब ईएडी नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज साथ में चलता रहेगा। तो हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है पेज लाइफ साइकिल। पहली चीज के पेज क्या है, लाइफ साइकिल तो बाद की बात है ना, पहले पेज का ही ना पता हो, हम स्टोरी सुनाते रहे आप भी सुनते रहे। तो पहली चीज पेज,
आपने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज में पीएचपी की होगी। ऐसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो रेगुलर वालों ने की हुई है तो आपने भी की होगी। मुझे वैसे कोई बता दे, पता नहीं आप लोगों से भी कल मैंने पूछा है क्या पढ़ा है। यस सर की है हमने। यस सर की है। सर की है पीएचपी हमने। ठीक है, पढ़ाई वैसे किसने है आपको वेब? मैम समरीन। मींस सेम टीचर ने पढ़ाई है तो सेम कंटेंट। यस सर, हमारे ऑलमोस्ट सेम टीचर्स ही होते हैं रेगुलर सेल्स के। ठीक हो गया, इस बार भी सारे सेम है। ठीक है, नहीं कई दफा हो जाता है ना। अब लाइक मैंने एससी वालों को ईएडी पढ़ाई है रेगुलर को, तो सेल्फ को किसी और टीचर ने पढ़ाई है। आईटी वालों को मैंने ही पढ़ाई है रेगुलर सेल्फ को। तो ठीक है, आपने पीएचपी की थी तो आपने उसमें पेज बनाया होगा कोई भी, abc.php, index.php, तो वो बेसिकली एक पेज था। आप कोई भी वेबसाइट रन करते हैं, xyzabc.com कुछ भी, तो वो जो सामने आपके फ्रंट स्क्रीन आती है ना, बेसिकली वो एक पेज है। आप नेविगेट करके किसी और स्क्रीन के ऊपर जाते हो तो वो दूसरा पेज है। आप नेविगेट करके किसी थर्ड स्क्रीन के ऊपर जाते हो तो वो तीसरा पेज है। तो वहां पीएचपी में .php थी, HTML के भी पेजेस होते हैं .html, .htm, और यहाँ .net में अपनी एक्सटेंशन है। वो जब पेज बनाएंगे तब देखेंगे कौन सी एक्सटेंशन है। तो हमने करना है पेज लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या है, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो उससे, आपने SDLC पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें yes, क्या sir. उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट स्टेजेस आपने डिस्कस की होंगी कि इस स्टेज के ऊपर ये होता है, इस स्टेज के ऊपर ये होता है, इस स्टेज के ऊपर ये होता है। अब ये देखें, एक ब्राउजर मैंने ओपन किया, लाइक मैं यहाँ से google.com ओपन करता हूँ। अब मेरे google.com लिख के एंटर करने से लेके ये जो सर्कुलेशन हुई और ये पेज मेरे स्क्रीन पे आया, इस पेज ने एक कंप्लीट लाइफ साइकिल रन किया है मेरे गूगल लिख के एंटर करने से लेके यहाँ। चलें इधर से ही कोई है, मैं ये बुक मार्क किए हुए हैं, यहाँ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उस URL के लोड होने से लेके जितना इंटरनेट स्लो होगा उतना, तो यहाँ से लेके इसके स्क्रीन के ऊपर आने तक। मैं कोई और पेज करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ आने तक अभी भी पेज लाइफ साइकिल इसका चल रहा है। जब ये सर्कुलेशन खत्म हो जाएगी तो पेज लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पेज की कॉलिंग से लेके पेज के स्क्रीन पर डिस्प्ले होने तक वो जिन प्रोसेसेस से गुजरा उसको कहा जाता है कि ये पेज की लाइफ है। तो हमने आज से पेज लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। पेज लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आई थिंक 11 हैं।